दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, अगर आप स्नैपचैट में कोई भी फ़ोटो या आप वीडियो को क्रिएट करते हैं, फ़ोटो को आप क्लिक करते हैं और उस फोटो को आप अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करना चाहते हैं, यानी कि स्नैपचैट से फ़ोटो या वीडियो को आप इंस्टाग्राम पर शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड करना चाहते हैं पोस्ट में या आप स्टोरी में, तो आप कैसे अपलोड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अपना स्नैपचैट ओपन करेंगे। स्नैपचैट ओपन करने के बाद हमारा स्नैपचैट इस तरह से ओपन हो जाएगा। हम अपने गैलरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा सारा फोटो आ जाता है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप अपने किसी भी फोटो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में या आप पोस्ट में, तो आप कैसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे आएंगे और अपना एक फ़ोटो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास एक ये फ़ोटो है और इस फोटो को हम अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में और स्टोरी में भी शेयर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पर एक शेयर का आइकन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप इंस्टाग्राम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक्शन आ जाएंगे कि अपने इंस्टाग्राम पर कहाँ पर सेंड करना चाहते हैं, कहाँ पर भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम चैट। अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं और वहाँ पर आप शेयर करना चाहते हैं किसी को, तो आप सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम फीड का, यानी कि इंस्टाग्राम पोस्ट का। अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम पर इस फोटो को, तो आप यहाँ पर बीच वाले यानी कि आप मिडिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम के स्टोरी पर शेयर करना चाहते हैं, यानी कि इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में लगाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा थर्ड ऑप्शन है इंस्टाग्राम स्टोरी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करना चाहते हैं, हम पोस्ट में डालना चाहते हैं अपने इस फोटो को, तो हम यहाँ पर सेकेंड यानी कि बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपके सामने आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, यहाँ पर अपना लॉक डालेंगे अगर आपने लॉक लगा के रखा है। उसके बाद जो आपका फोटो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर लोडिंग लेगा आपका फोटो। और उसके बाद आपको शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा न्यू पोस्ट और यहाँ पर आपको इस एरो पर क्लिक करना होगा। तो हमारा यहाँ पर फोटो लोडिंग हो चुका है, उसके बाद आपको सही वाले एरो पर यानी कि इस एरो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके अपने फोटो का फिल्टर भी कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर इस फिल्टर को रहने देते हैं, इस फिल्टर को हम ऐड करेंगे। उसके बाद आपको सही वाले एरो पर क्लिक करना होगा और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इसे अपने फेसबुक पर भी अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे अभी डिसेबल करते हैं, सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इस सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमारा जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो रहा है इंस्टाग्राम के पोस्ट में। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा और उसके बाद जो आपका पोस्ट होगा वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो हमारा फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, आपको नो थैंक्स पर क्लिक करना होगा और देख सकते हैं आपका फोटो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद अपने अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपका अकाउंट में भी शो हो जाएगा। तो जैसे हम रेफ्रेश करेंगे यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। तो इसी तरीके से अपने स्नैपचैट का फोटो अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी या पोस्ट पर आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।